साइकोलॉजी के अनुसार हमारी फीलिंग्स हमारे बात करने के तरीके को प्रभावित नहीं करती, बल्कि हमारे बात करने का तरीका हमारी फीलिंग्स को प्रभावित करता है। अगर लड़की एकदम कुछ दिनों से साइलेंट हो गई है, इसका मतलब उसके साथ उसकी उम्मीद के विपरीत किसी ने जरूर उसके साथ कुछ बहुत ही ज्यादा गलत किया है और वह अंदर ही अंदर खुद को खो चुकी है। लोग पहले रिश्ते को बंधन और कसमों में बांध देते हैं, फिर प्यार की उम्मीद करते हैं। बंधन का अर्थ ही जबरदस्ती है। मैंने माँ और बेटे को कभी कसम खाते नहीं देखा कि हम एक दूसरे से प्यार करेंगे और परवाह करेंगे। साइकोलॉजी के अनुसार सेल्फ कॉन्फिडेंस इंसान को बेहद अट्रैक्टिव बनाता है। एक बदसूरत इंसान भी लोगों को उसके कॉन्फिडेंस की वजह से खूबसूरत नजर आने लगता है। ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार जिनके दोस्त बहुत कम होते हैं उनका आत्मविश्वास बहुत ज्यादा होता है। ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि उन्हें सहारा देने वाला कोई नहीं होता और वो अकेले ही दुनिया जीतने की कोशिश करते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार अगर आप किसी इंसान को पसंद करते हैं तो उसके साथ काम करते हुए आप नई चीजों को जल्दी सीखते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार अगर कोई इंसान आपसे जलता है तो इसका मतलब यह है कि वह इंसान आप जैसा बनना चाहता है लेकिन वह बन नहीं सकता है। साइकोलॉजी कहता है कि 90% लोगों का दिमाग यह सोचता है कि काश कि कुछ पल के लिए समय पीछे चला जाए। साइकोलॉजी के अनुसार हमारा दिमाग एक बोरिंग काम को भी पल भर में मजेदार बना सकता है अगर हम सच में उस काम को करना चाहते हैं तो। साइकोलॉजी कहती है कि अगर आप बहुत बार किसी चीज को हर्ट हुए हैं, अगर आप बहुत बार किसी चीज से हर्ट हुए हैं और इसके बाद भी आप मुस्कुराते हो तो वास्तव में आपसे ज्यादा मजबूत कोई नहीं है। साइकोलॉजी के अनुसार आप जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं तो आपकी सोच और काम करने की क्षमता भी उनके जैसी बन जाती है। साइकोलॉजी के अनुसार जब आप जिससे प्यार करते हैं उसका हाथ पकड़ते हैं तो यह मानसिक और शारीरिक दोनों तरह के दर्द को कम करता है। मनोविज्ञान के अनुसार मानव मन केवल प्रत्येक व्यक्ति पर एक बार पूर्ण विश्वास बनाए रखता है। एक बार विश्वास टूट जाने के बाद यह कभी भी पहले जैसा विश्वास नहीं होता है। साइकोलॉजी के अनुसार यदि आप यह दिखाना चाहते हैं कि आप कितने महत्वपूर्ण हैं तो लोगों को इग्नोर करें। जब तक वह आपसे मदद नहीं मांगते उन्हें पता चल जाएगा कि आप कितने महत्वपूर्ण हैं। साइकोलॉजी के अनुसार लड़कियां उनसे प्यार करती है जो वह सुनती है और लड़के उनसे प्यार करते हैं जो वह देखते हैं। इसलिए लड़के लड़कियों की तारीफ करते हैं और लड़कियां मेकअप करती है। साइकोलॉजी के अनुसार जब भी आप शीशे के सामने खड़े होकर खुद से सकारात्मक बातें करते हैं तो आप मानसिक रूप से मजबूत होते हैं। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें लेकिन वो कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। अगर आप में अहंकार है और आपको गुस्सा बहुत आता है, जिंदगी में आपको किसी और दुश्मन की कोई जरूरत नहीं है। हुनर तो सब में होता है, फर्क बस इतना होता है किसी का छिप जाता है तो किसी का छप जाता है। जीवन में कोई भी रास्ता अपने आप नहीं बनता, हम लोग अपना रास्ता खुद बनाते हैं। इसलिए हम लोग जैसा रास्ता बनाते हैं हमें वैसी ही मंजिल मिलती है। जिंदगी में सही लोगों की तलाश कभी मत करो, आप स्वयं ही सही बन जाओ। या बता आपसे मिलकर शायद किसी की तलाश पूरी हो जाए। मौन रहना किसी इंसान की कमजोरी नहीं बल्कि उसका बड़प्पन होता है, क्योंकि जिसको सहना आता है उसको कहना भी आता है। कलम तभी साफ और अच्छा लिख पाती है जब वह झुककर चलती है। यही हाल जिंदगी में इंसान का होता है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाओ, क्योंकि यह आपका सबसे बड़ा दुश्मन है जो आपको आपके लक्ष्य तक नहीं पहुंचने दे रहा है। इसलिए आज से ही कुछ ना कुछ काम स्टार्ट कर दें। हर रोज अपने आप को 1% इम्प्रूव कीजिए। सोने से पहले अपने आप को एनालिसिस कीजिए
कि आज आपने वो कौन कौन से काम किए हैं जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएंगे और अगले दिन उससे कुछ ना कुछ बेहतर करने का प्रयास करें। शिकायत करना बंद कीजिए। आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं। इसलिए देखिए आपसे कहाँ गलती हो रही है, आपसे कौन से प्रयासों में कमी है, उसे सुधारने की कोशिश करें बजाय शिकायत करने के। इस दुनिया के सफल लोगों की एक कॉमन आदत है कि वो रात को सोने से पहले या सुबह उठते ही अपने पूरे दिन की योजना बना लेते हैं। इससे उनका पूरा दिन ये सोचने में नहीं जाता कि उन्हें क्या करना है और वो अपना पूरा फोकस अपने काम पर लगा पाते हैं। हमेशा बड़ा सोचें। अगर आपको जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना है तो अपनी सोच को हमेशा नेक्स्ट लेवल की रखनी होगी, क्योंकि जब तक आप अपनी सक्सेस को इमेजिन नहीं कर पाओगे तब तक आप वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। साइकोलॉजी कहती है कि बहुत से लोगों को प्यार इसलिए नहीं होता क्योंकि उनके मन में यह डर रहता है कि कहीं मैं गलत आदमी के प्यार में ना पड़ जाऊं। यदि कोई आप पर क्रोध करने वाला है तो उस व्यक्ति के पास आकर बैठ जाएं। इससे उन्हें अपनी आवाज को कम करनी होगी और चेहरे से कोई संपर्क नहीं होगा। अगर एक इंसान को कई नई आदत को अपनाना है तो उस इंसान को कुछ ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो लोग उसकी आदत को अपनाना चाहते हैं। समूह के साथ किसी नई आदत को अपनाना आसान हो जाता है। किसी दूसरे व्यक्ति का बधाई संदेश आपको हमेशा खुश करता है और आपको उस व्यक्ति के बारे में अच्छा महसूस कराता है। जब लोग थके हुए होते हैं उस समय लोग आमतौर पर अधिक ईमानदार होते हैं या ईमानदारी से व्यवहार करते हैं और सच्चे होते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि आपकी भावनाएं जितनी गहरी होगी उन्हें व्यक्त करना उतना ही कठिन होगा। सपने वास्तव में आपके और अपने अवचेतन मन के बीच की बातचीत होते हैं। यदि आप किसी से सच बुलवाना चाहते हैं या कोई बात जानना चाहते हैं तो आपको उससे देर रात में बात करनी चाहिए। वह सच ही कहेगा, क्योंकि आमतौर पर लोग रात को थके हुए होते हैं तो देर रात में बात करने से उसके 98% चांसेस है कि वह सच बोलेंगे। दुखद गाने ना सुने, यह आपको और अधिक उदास या नीरस बना देंगे। इनके बजाय अच्छे ऊर्जावान गाने सुने जो आपको अच्छा और ऊर्जा से भरे होने का एहसास करा सकते हैं। जितनी ज्यादा आपकी किसी इंसान से एक्सपेक्टेशन होगी उतना ही वह इंसान आपकी नजर में समय के साथ बुरा बनता जाएगा। अन्य व्यक्ति की आंतरिक या अंदरूनी चीजों या बातों को जानने के लिए सबसे अच्छी ट्रिक यह है कि उसे उससे संबंधित राज वाली बातें बताएं, जिनसे वो अपने राज भी बता देगा। साइकोलॉजी के अनुसार अगर आपको कोई मन ही मन प्यार करता है तो आपको यह एक इशारा जरूर करेगा कि बार बार किसी ना किसी वजह से आपके पास आने का बहाना निकालेगा और आपसे बात करने की कोशिश करेगा।